हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सबका खान एकेडमी में, ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका। कैसे हो आप लोग यार? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका खान एकेडमी में, ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक बार सबको मैसेज कर देते हैं कि क्लास में सब आ जाएं, क्लास में शुरू करेंगे। मैसेज मैंने सबको कर दिया है, सब बच्चे आ जाएं फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। सबका स्वागत है यार ऑन अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो यार? दिस इज गोइंग टू बी अ काउंसलिंग सेशन फॉर यू ऑल गाइस। आपके लिए एक तरह से काउंसलिंग सेशन हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबका स्वागत है। एक मिनट में क्लास को शुरू करेंगे यार। हेलो हेलो हेलो, हाथ हिला दो यार, सब हाथ हिला दो। हेलो हेलो तो बोल दो यार, हेलो हेलो तो बोल दो, हेलो हेलो तो सुन ले आप सब की। कौन कौन बच्चा आया है? सब अपने अपने फोन को साइलेंट कर दो यार। मैंने भी अपने फोन को साइलेंट कर दिया है ताकि पढ़ाई के बीच में फोन डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सब मेरे साथ बोलेंगे यार, वी आर द वॉरियर्स, वी विल फाइट, वी विल विन। वी आर द वॉरियर्स, वी विल फाइट, वी विल विन। वी आर द वॉरियर्स, वी विल फाइट, वी विल विन। कमेंट बॉक्स में सब लिख देंगे आई एम द बेस्ट। सब लिख दो यार कमेंट बॉक्स में आई एम द बेस्ट। सब अपने अपने लिए लिख दो आई एम द बेस्ट। अगर अभी तक किसी ने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा कोड यूज कर सकते हो हर्षित सर, यू कैन यूज माय कोड हर्षित सर फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। आप मेरे कोड से 10% का डिस्काउंट ले सकते हो और काफी सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी आस्क अ डाउट के लिए। क्या क्या बेनिफिट है यार? आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट पूछ सकते हो, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो। आप अनअकैडमी आस्क अ डाउट पे कभी भी डाउट पूछ सकते हो 24x7, जिसका आपको एक हाई क्वालिटी में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे लाखों क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, बट उसके बाद भी आपको होमवर्क असिस्टेंस मिल जाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ हाउ टू आस्क अ डाउट के बारे में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐप पे क्लिक करना है आस्क अ डाउट में, गैलरी से फोटो सेलेक्ट करनी है, फिर क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपको स्पेसिफिक एरिया को क्रॉप करना है, ये बताना है आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपकी बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं अनलिमिटेड अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो वो घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ाते हैं, लगभग 80+ टॉप एडुकेटर्स जो पढ़ाते हैं आपको। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। डेली प्रैक्टिस सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेस, डेली एमसीक्यू, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो आपको 360 डिग्री का सपोर्ट मिलता है और आपको सारी सिस्टम्स मिल जाती है जो कि चाहिए होती है। पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट ऐप, स्टडी प्लानर और प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिल ही जाते हैं। एंड अनअकैडमी प्लस के यार ये प्राइजेस हैं, आपको इन प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग माय कोड हर्षित सर। इन प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग माय कोड हर्षित सर। गाइस 12 टू 15 मंथ्स का आप ले सकते हो। सेम विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो बाय यूजिंग माय कोड हर्षित सर। हर्षित सर से आपको क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर अभी तक किसी ने मेरे को अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर फॉलो नहीं करा, तो आप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर मेरे को फॉलो कर लो। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल पे सब जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल पे सब गाइस जुड़ जाना मेरे साथ। ठीक है, सो दोज हू डोंट नो मी, माय नेम इज हर्षित गोयल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीसीए एंड एमए इन सोशियोलॉजी, वर्क विद मेनी एमएनसीज, हैविंग अ 2+ इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग, गोल ऑफ ऑलवेज 100 मार्क्स, 10th एंड 12th की मेरी क्वालिफिकेशन। ये है
टेंथ एंड ट्वेल्थ की मेरी क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है गाइस। यार आज का ना जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, आज का जो आपको टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। कैसे? गाइस आपका आज का टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे, मतलब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10, कैसे आपको क्लास 10th के बाद अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, कैसे आपको क्लास 10th के बाद अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है गाइस। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड, ये सॉरी, हाँ यार क्लास 11th के ना एक दो बैच चालू हुए हैं। सॉरी गाइस, एकदम अभी अभी फोटो मैंने लगाई है, जस्ट क्लास 11th के बिल्कुल जस्ट अभी अभी बैच स्टार्ट हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ फॉर्म में दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास 11th के कौन कौन से बैच स्टार्ट हुए हैं। आई होप आपको दिख रहा हो। क्लास 11th का एक वाला बैच स्टार्ट हुआ है, क्लास 11th का एक वाला बैच स्टार्ट हुआ है, क्लास 12th का एक 19th अप्रैल मतलब कल से बैच स्टार्ट हुआ है, और एक क्लास 11th का प्रारंभ बैच स्टार्ट हुआ है, क्लास 11th का एक प्रारंभ बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये भी कल से स्टार्ट हुआ है, जिसमें ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ये सारे टीचर्स इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लास 11th का ये वाला प्रारंभ बैच आपके लिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है गाइस। आप इस सब में एनरोल कर सकते हो। डालना भूल गया मैं गलती से, स्लाइड्स में कोई नहीं है, चलो गलती होती रहती है यार। हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th, क्लास 10th के बाद आप स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करोगे, किसी के पास भी इस चीज का जवाब है कि कैसे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, क्लास 10th के बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। हाँ गाइस, एनीवन, किसी के पास क्राइटेरिया है? एनीवन, मैं ना कुछ बच्चों का वेट कर रहा हूँ। हेलो यार, हेलो, मैंने ह्यूमैनिटीज लिया, वेरी गुड यार। अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया, जो भी स्ट्रीम ली है, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, किसी के पास क्या क्राइटेरिया है कि आप क्या क्राइटेरिया से आपने स्ट्रीम को लिया है? देखो, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वाना बी इन फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू वाना बी इन फ्यूचर, ओके। एक तो क्राइटेरिया आपका ये हो गया, आप क्या बनना चाहते हो, एक तो क्राइटेरिया आपका ये हो गया कि आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर के लिए, ओके। और कोई क्राइटेरिया? हेलो एवरीवन, और कोई क्राइटेरिया? आप एक क्या बनना चाहते हो, योर गोल, योर एम्बिशन, कुछ पॉइंट्स जो मेरे को समझ आते हैं, योर पैशन, योर इंटरेस्ट, योर एप्टीट्यूड, योर नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या आपने जो सब्जेक्ट लिया क्या आपको उसके 100% इंफॉर्मेशन है, कुछ पैरामीटर्स हैं मेरे लिए। ये तो कुछ, उनमें से कुछ पैरामीटर्स आपके लिए लिखे हैं, ठीक है, ये तो मैंने ना उनमें से कुछ पैरामीटर्स आपके लिए लिखे हैं, बट मेरे पास काफी सारे पैरामीटर्स इसके लिए हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं, ओके, जैसे कि ये तो हमारे हैं। चलो यार एक कहानी सुनते हैं। मैंने कल एक कहानी सुनाई थी, मेरे को बहुत अच्छी कहानी लगी, मैंने कल ही सुनाई थी वो कहानी सबको। एक ना इंसान होता है, वो भेड़ बकरियां पालता है, क्या पालता है, वो शीप्स को पालता है, भेड़ों को पालता है।
एक दिन वो जंगल में जाता है, सब मेरी कहानी को ध्यान से सुनना, एक दिन वो जंगल में जाता है और जंगल में जाके वो क्या कहता है, क्या उसे दिखता है, एक ना शेर दिखता है, शेर का एक बच्चा दिखता है घायल अवस्था में। ठीक है, मेरे को पता है मेरी हैंड वो थोड़ी ड्राइंग गंदी है, तो समझ लेना ये शेर है, ये क्या है, लायन है। अब वो क्या होता है, ये लुइन लुइन लिख दिया, लायन है। वो क्या होता है, वो ना बीमार होता है या उसका एक्सीडेंट वगैरह हो चुका होता है, कुछ भी मान लो, वो शेर का बच्चा होता है, काफ़ी बीमार होता है। अपना क्या होता है, जो इंसान है जो भेड़ बकरियाँ पालता है, इसको शेर के बच्चे पर दया आ जाती है और ये शेर को अपने साथ ले आता है, शेर को अपने साथ ले जाता है। अब शेर को अपने साथ ले जाता है, अपना उसे जिंदगी भर कम से कम 2-3 साल, जब तक शेर बड़ा नहीं होता, उन्हें ना वो भेड़ के बीचों में पालता है, शीप्स के बीच में पालता है। ठीक है, वो शेर के बच्चे को भेड़ के बीच में पालता है अपना। जब शेर बड़ा हो गया 2-3 साल में, वो अच्छा खासा बड़ा हो गया, अपना शेर दहाड़ने की जगह मैं करने लगा था, शेर दहाड़ने की जगह मैं करने लगा था, उसके ना बिलीफ सिस्टम में, उसके दिमाग में ये भर चुका था कि वो क्या है, एक भेड़ है। हाँ बता रहा हूँ प्रियंका, टेंशन मतलब, उसके ना एक दिमाग में ये भर चुका था कि वो क्या है, एक भेड़ है। मेरी कहानी सुनना, ओके। अब वो भेड़ है, अब ना एक दिन एक शेर आया, शेर उसे ढूंढते ढूंढते आया। अब जैसे ही शेर के बच्चे ने शेर को देखा, वो ना भग गया। अब भगा क्यों, बिकॉज इसे लगता था कि ये एक भेड़ है, ये एक शीप बन चुका है, ये एक भेड़ बन चुका है। ठीक है, देख के भग गया। दूसरे दिन दोबारा शेर आया, दूसरे दिन दोबारा भग गया। तीसरे दिन ना कुछ शेरों ने इसे घेर लिया, अब ये बहुत डर गया, आज तो मैं मर जाऊंगा, आज तो मैं मर जाऊंगा। उसने बोला, शेर साहब आप मुझे छोड़ दो, मैं तो छोटी सी भेड़ हूँ, ये हूँ। कह रहे तू पागल है क्या, हम तेको मारने थोड़ी आए हैं, तू तो जंगल का राजा है, तू शेर थोड़ी है, वो तू भेड़ थोड़ी है, तू तो जंगल का राजा है, तू तो शेर का बच्चा है, तू भेड़ों के बीच में रह रहा है पर तू तो शेर का बच्चा है। अच्छा क्लास 12th में। अच्छा, उसने बोला तू तो शेर का बच्चा है। कह रहा क्या बात कर रहे हो सर, ये जो मेरे सारे भेड़ भाई बहन है तो सारे मेरे भाई बहन है, मैं शेर का बच्चा थोड़ी हूँ। कह रहा नहीं, चल एक काम कर, हम तेको लेके चलते हैं। कह रहे सर मेरे को मारना मत, मारना मत, मारना मत, आप मेरे को जान से मत मारना। कह रहा नहीं मारूंगा, तू चल। तो उसे ना शेर के बच्चे को सारे शेर मिलके लेके गए एक तालाब के पास, एक तालाब के पास। अब जब वो तालाब के पास लेके गए ना, उसे डर लगा, ये तो आज मेरे को डुबो के मार देंगे, आज तो मेरे को पानी में डाल देंगे, मैं तो डूब के मर जाऊंगा। पर ना क्या हुआ, सब शेरों ने कहा एक काम कर, अपनी शक्ल को तालाब में देख, अपनी शक्ल को तू तालाब में देख, ये तालाब है। उसने बोला अपनी शक्ल को तू तालाब में देख। कह रहा अच्छा ठीक है देखता हूँ। जब उसने अपनी शक्ल को तालाब में देखा और जब उसने शेरों को देखा तो उसने क्या पाया, जब उसने अपनी शक्ल को तालाब में देखा और उसने शेरों को देखा तो उसने क्या पाया, क्या पाया उसने, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो गद्दार ही बनेगा। हाँ यार, उसने पाया कि वो शेर है। उसने क्या पाया, वो शेर है। उसने कहा यार तुम तो सच बोल रहे थे शेर है, बट मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं शेर हूँ। उसने कहा यही तो दिक्कत है, तुम्हार को भेड़ों के बीच में पाला गया है, तुम्हार को शीप्स के बीच में पाला गया है, इसलिए तुम्हारे को लग नहीं रहा कि तुम शेर हो, और तू शेर है, तू शेर बन, तू इनका शिकार करने के लिए बना है, तू शिकार होने के लिए नहीं बना, तू शिकार करने के लिए बना है। उसे तब समझ आया कि हाँ मैं क्या हूँ, शेर का बच्चा हूँ, मैं शिकार करने के लिए बना हूँ। इसी तरीके से गाइस, आप भी एक शेर के बच्चे हो, ठीक है, आप भी एक शेर के बच्चे हो, भेड़ों की तरह मत रहो, डर के मत रहो। अब सर इसका आपने एक स्टोरी सुनाई, इसका कुछ तात्पर्य, एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सबसे पहले मोरल ऑफ द स्टोरी ये है यार, शेर कभी किसी से डरता नहीं है, ठीक है, शेर डरता नहीं है, बच्चे डरते हैं। साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, बच्चे ना डरते हैं, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, शेर का बच्चा कभी डरता नहीं है। आप शेर के बच्चे डरो मत, साइंस ले ली तो ले ली, क्या हो गया, कॉमर्स ले ली तो ले ली, आर्ट्स ले ली तो ले ली, क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि साइंस के बच्चे ही वर्ल्ड के सबसे अमीर बनते हैं या आर्ट्स के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स के बच्चे आईएएस बन जाते हैं और बनने को साइंस के बच्चे भी आईएएस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं यार, आईएएस दोनों स्ट्रीम के बनते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के भी आईएएस बनते हैं, स्ट्रीम तो सारी स्ट्रीम्स के बच्चे आईएएस बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ये स्ट्रीम ले लूंगा तो ये कर सकूंगा और ये स्ट्रीम ले लूंगा तो ये नहीं कर सकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ दिमाग से निकाल देना।
ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली चीज दिमाग से आपने निकाल देना, एक तो ये चीज हो गई। सर ले तो ले क्या, आपके पास तीन स्ट्रीम आती हैं, हाउ टू चूज। आज की जो तो क्लास है ना, मेन है विच स्ट्रीम नहीं, मैं क्लास है हाउ टू चूज अ स्ट्रीम, हाउ टू चूज अ स्ट्रीम, कैसे आपको स्ट्रीम चूज करनी है। विच स्ट्रीम तो ठीक है, आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे चूज करनी है। क्या आपके पास कोई पैरामीटर्स हैं कैसे चूज करनी है, हाउ टू चूज अ स्ट्रीम। एनीवन, किसी के पास कोई भी पैरामीटर है कैसे आपको स्ट्रीम चूज करनी है। हाँ गाइस, ठीक है, नहीं यार कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा, कोई नहीं, देखो चलो इसका ना जवाब मैं आपको देता हूँ कैसे, हाउ टू चूज अ स्ट्रीम। अच्छी चीज़ है यार, सबसे पहले ना कुछ मेन मेन पॉइंट्स बताऊँगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखने वाला मैं, कुछ मेन मेन आपको, हेलो यार, हेलो यार, हेलो श्रेयांशी, वेलकम टू द क्लास। मेन मेन पॉइंट्स बताऊँगा हाउ टू सेलेक्ट अ स्ट्रीम, हाउ टू चूज अ स्ट्रीम। पहले ना बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम हमारे पास है। तीन स्ट्रीम है हमारे पास, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसके एक बार मैं लाइन बना लेता हूं। ठीक है यार, हमारे पास कुछ स्ट्रीम्स है, जैसे कि साइंस में हमारे पास फिजिक्स आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है। कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिकल या कंप्यूटर, ये आते हैं आपका कॉमर्स में सब्जेक्ट। और आर्ट्स में बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट लेता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर या फिजिक्स, ये आपके आते हैं आर्ट्स में। तो यार इसमें से ना सब्जेक्ट सबसे पहले ना इंटरेस्ट, हाँ सबसे पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट क्या है। साइंस है तो क्या है, कॉमर्स है तो क्या है, आर्ट्स है तो क्या है, ये तीन सब्जेक्ट है तो क्या है, इसके आगे स्टेटस क्या है, इसके आगे स्कोप क्या है, एक्स वाई ज़ेड इसका आगे है क्या, रोल क्या है, फिजिक्स का रोल क्या है, कॉमर्स का रोल क्या है, आर्ट्स का रोल क्या है, साइंस का रोल क्या है, क्या रोल है। सबसे पहले ना आपको अपने सब्जेक्ट समझने हैं। सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट्स बोलूंगा, अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट्स। जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है, जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है, आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड योर, अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। एक तो चीज आपकी आ गई है, अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। कैसे सर, कैसे हम सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे करें, हमने फिजिक्स तो थोड़ी बहुत पढ़ी है, केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत पढ़ी है, बायोलॉजी भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है, मैथ भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, अकाउंट्स हमने आज तक नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बिजनेस नहीं पढ़ी, ज्योग्राफी हमने इतनी आज तक नहीं पढ़ी, पॉलिटी उस हिसाब से नहीं पढ़ी, हिस्ट्री हमने उस हिसाब से नहीं पढ़ी, है ना। कुछ ये ना बच्चों के दिमाग में चलता है, ये सर हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं, हम कैसे डिसाइड कर लें हमारे को क्या आता है और क्या नहीं आता। यस और नो, समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे समझना है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। फिजिक्स होता है यार, मैं हमेशा देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ,
ये आपके सामने एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है ये, जैसे अगर हिल रहा है, अगर ये पेंडुलम हिल रहा है तो इसके पीछे लॉ क्या है कि पेंडुलम हिल क्यों रहा है, कुछ तो इसके पीछे लॉ होगा। ये जो लॉ हमारे को समझाता है ना, ये समझाता है हमारे को फिजिक्स। ये जो भी हमारे को लॉ समझाता है वो कौन समझाता है हमारे को? फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में आप मैटर पढ़ते हो, अगर इंसान बना है तो किस चीज से बना है, इंसान के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इंसान के अंदर अगर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो कैसे है, क्यों है, इंसान के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्यों है, कैसे है, है ना? यस। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ एनाटॉमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ एनाटॉमी, ये होता है आपका बायोलॉजी। मैथ्स आता है फिर इंग्लिश आता है, मैथ्स सबको पता है, इंग्लिश सबको पता है, कॉमर्स, अकाउंट्स, अकाउंट्स एनीवन कोई बताना चाहेगा अकाउंट्स क्या होती है? है ना? यस। देखो यार अकाउंट्स क्या होती है, अभी तक किसी ने नहीं बताया। देखो अकाउंट्स क्या होती है यार, बही खाता, खाते, खाता का काम। जो भी आपका बिजनेस में इन हो रहा है, आउट हो रहा है, मनी जो भी आपके बिजनेस में आ रही है या जा रही है, जो भी आपके बिजनेस में मनी का या तो आ रही है जा रही है, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? अकाउंट्स में। या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, कहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो उसे? अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में। जो भी आपका पैसा आ रहा है या जा रहा है उसे आप अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हो। इकोनॉमिक्स, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी। जैसे अगर हमारे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आलू के प्याज, आलू के रेट बढ़ रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं ये आलू के रेट, क्यों बढ़ रहे हैं प्याज के रेट, क्यों बढ़ रहे हैं खाता, यस, आलू के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, प्याज के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। किसी इंसान के पास जॉब है तो क्यों है, किसी इंसान के पास जॉब नहीं है तो क्यों नहीं है, इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं, वो बिजनेस स्टडीज होती है। इंग्लिश सबको पता है, एक लैंग्वेज है, मैथ्स पता है सबको, फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकली फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में एजुकेशन, बॉडी के बारे में एजुकेशन, या इंजरीज के बारे में एजुकेशन। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स ये सिंपल कंप्यूटर्स नहीं होता, अभी तक जो आपने पढ़ा है हार्डवेयर, माउस वगैरह, ये सब नहीं होता। ये जो कंप्यूटर्स है ना, ये कंप्यूटर्स आपका क्या है? आईपी, ये सीएस, दो इसमें आती हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर या तो जावा आपको सिखाई जाएगी, या सी प्लस प्लस सिखाई जाएगी, एसक्यूएल सिखाया जाएगा, ओरेकल सिखाया जाएगा, और आपको एचटीएमएल सिखाया जाएगा, सीएसएस सिखाया जाएगा, वेब डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट थोड़ी सी सिखाई जाएगी, और बैक एंड डेवलपमेंट आपको थोड़ी थोड़ी सिखाई जाएगी, थोड़ी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, बैक एंड डेवलपमेंट सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है साइंस इज द बेस्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं है साइंस इज द बेस्ट। तीनों सब्जेक्ट अपने तरफ बराबर हैं, तीनों सब्जेक्ट अपनी जगह बराबर हैं गाइस। ये नहीं बोलूंगा साइंस बेस्ट है, ये नहीं बोलूंगा कॉमर्स बेस्ट है, ये नहीं बोलूंगा आर्ट्स बेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट अपनी तरफ बराबर है। समझ आ रहा है अभी तक? यस और नो? है ना? यस। साइंस इज वर्सेटाइल। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एक सेकेंड, बच्चों का आंसर आ रहा है। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, पाइथन, पाइथन, हाँ, आजकल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में पाइथन सिखाई जा रही है, यस, जावा सिखाई जा रही है, पाइथन सिखाई जा रही है। इलेवंथ के सेशन स्टार्ट हो गया यार। सर क्लास, सर फ्रॉम साइंस वी कैन ऑलवेज स्विच टू कॉमर्स एंड कॉम, क्यों करना है स्विच? ग्रीन मैंगो बोल रहे हैं, हम साइंस से कॉमर्स में स्विच कर सकते हैं, कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में स्विच क्यों करना है? ये तो वो वाली बात हो गई, आपको अपने डिसीजन का ही नहीं पता। जो बंदा अपने डिसीजन पे नहीं रह सकता, वो किसी चीज पे नहीं रह सकता। एक बार जो डिसीजन ले लो, स्टिक विद इट, स्टिक विद योर डिसीजंस,
जिंदगी के लिए बता रहा हूँ, हमेशा बहुत बड़ी जिंदगी की सीख दे रहा हूँ, जो मैंने जिस चीज से चोट खाई उस चीज से आप चोट ना खाओ, स्टिक विद योर डिसीजंस। जो एक बार डिसीजन ले लिया स्टिक विद इट, खत्म। जो एक बार डिसीजन ले लिया वो करके दिखाना है गाइस, कोई बैक स्टेप नहीं है इसमें। नो बैक स्टेप। जो एक बार डिसीजन ले लिया वो आपको करके दिखाना है, उसी से पूरा करना है। स्टिक विद योर डिसीजंस गाइस। अगर साइंस ले ली तो कॉमर्स में आ जाएंगे, कॉमर्स ले ली तो ह्यूमैनिटीज में आ जाएंगे। क्यों करना क्यों है? क्या आपको पता है साइंस क्या होती है? यही तो आज की क्लास है कि होती क्या है साइंस। हाँ तो ये बता रहा हूँ ग्रीन मैंगो कि आपको कैसे एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, यू हैव टू एक्सप्लोर। मैं भी बोलता, चलो मैं आपको ये वाला पॉइंट ही अब लेते हैं। अब आप जब आपने छेड़ी दिया है वाला पॉइंट, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कैसे करोगे? हो चुका आई एस सृष्टि यार, 11th का सेशन स्टार्ट हो चुका। नहीं यार, आप एक्सप्लोरेशन कैसे करोगे? एक वीक लो, एक वीक एक स्ट्रीम को दो। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम को पढ़ो 1 वीक, 1 वीक पढ़ो कॉमर्स को, 1 वीक पढ़ो ह्यूमैनिटीज को, एक एक हफ्ता तीनों चीज पढ़ो यार। एक हफ्ता तीनों चीज पढ़ो, आपको दिक्कत ही नहीं। आपको समझ आ जाएगा कि आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, मैथ्स लेनी है या नहीं लेनी, मैथ्स लेनी है या मैथ्स नहीं लेनी। आपको समझ आ जाएगा कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, एक्स वेजेड जो भी है, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। किसी में भी आपको जाना है आपको समझ आ जाएगा, चुटकी बजाते ही समझ आ जाएगा गाइस आपको। आपको साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है। एक एक हफ्ता देख के देखो, ट्राई आउट एवरीथिंग, थिंक इट लाइक अ कुर्सी। आपकी एक कुर्सी है, साइंस कुर्सी पे आप एक वीक बैठे, इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर यू बैठे रहो इस पे, देन कॉमर्स, एक हफ्ते कॉमर्स में बैठो, देन ह्यूमैनिटीज। आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए क्या है। क्या आप ह्यूमैनिटीज याद कर सकते हो? क्या आप साइंस में इतना इनडेप्थ पढ़ सकते हो? साइंस की जो चीजें हैं मुश्किल होती हैं, क्या आप इतना इनडेप्थ पढ़ सकते हो? कॉमर्स बहुत एनालिटिकल है, पढ़ सकते हो। ह्यूमैनिटीज बहुत समझने वाला है, ह्यूमैनिटीज याद करने वाला है, समझने वाला है। ह्यूमैनिटीज का स्कोप, सच बताऊं, कॉमर्स और साइंस से ज्यादा है। ह्यूमैनिटीज में स्कोप कॉमर्स और साइंस से ज्यादा है, सच बता रहा हूं ये बात। साइंस में क्या करोगे? दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इंजीनियर या डॉक्टर, बस। कॉमर्स वालों के पास बीकॉम, बीए, बीसीए, सीए, सीएस, कॉमर्स वालों के पास ये होते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों के पास सारी गवर्नमेंट जॉब खुली है गाइस, ह्यूमैनिटीज वालों के पास सारी गवर्नमेंट जॉब खुली है, इनका बेस बन जाता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा साइंस वाले नहीं कर सकते, बेस बन जाता है ह्यूमैनिटीज वालों के पास, एक बेस बन जाता है सारी गवर्नमेंट जॉब्स का। फॉर सब उसके बाद लेक्चरर्स भी बन सकते हो आप, लेक्चरर भी बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो, और कई सारी स्ट्रीम्स में जा सकते हो आप, रिसर्च में जा सकते हो, और भी सारी स्ट्रीम्स है। अभी देखो, मैं सिर्फ अभी तो आपको पढ़ाई की बारे में बात बता रहा हूँ, ये भी बताऊंगा कि 10th के बाद अगर किसी का पढ़ने का मन नहीं है तो उनके लिए कौन कौन सी स्ट्रीम्स खुली हुई है। ऐसा नहीं है उनके लिए स्ट्रीम्स नहीं खुली हुई है, ऐसी स्ट्रीम्स काफी हैं जो 10th के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो। सर आज से, हाँ यार आईएएस सृष्टि मैंने स्पेशल क्लासेस पे चालू कर दिया है। नाउअडेज पीपल आर जस्ट अगेंस्ट साइंस, आई रियली डोंट नो व्हाई। बिल्कुल यार, आजकल लोग बस, एक्चुअली मैं, पता है मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ाता हूँ, और आजकल मैंने देखा है मेरे पास 98% वाले बच्चे भरे हुए हैं। 98% वाले बच्चे पहले साइंस में जाते थे, अब मेरे पास 98% वाले बच्चे ना ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में भरे पड़े हैं गाइस। बच्चे 98 फुल मार्क्स लाके, 10 CGPA वाले ह्यूमैनिटीज लेते हैं। आपको पता है 10 CGPA वाले ह्यूमैनिटीज लेते हैं। व्हाट इज द स्कोप इन BGMC? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मीडिया के लिए होता है। यू कैन गो इन मीडिया लाइन, यू कैन गो इन मीडिया फ्रॉम BGMC। BGMC से आप मीडिया में जा सकते हो, BGMC से आप मीडिया में जा सकते हो।
बीजेएमसी सब उसमें जा सकते हैं बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन है सो मैनी स्पेशलाइजेशन, ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरो, क्रिटिकल केयर, मार्क्स तो आने चाहिए यार उसके लिए। अभी बात करेंगे यार, देखो सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, वेटनरी, वेट वगैरह बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। अब कुछ ना मेरे पॉइंट सुन लो यार, मैं अपने पॉइंट्स क्या लाया हूँ आपके लिए। गिव अटेंशन टू योर एप्टीट्यूड, स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी। सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए, आप मेरे पास आपके लिए ये है, अपना एप्टीट्यूड देखो, अपनी स्ट्रेंथ देखो और अपनी पर्सनैलिटी देखो। एप्टीट्यूड देखो, स्ट्रेंथ देखो और पर्सनैलिटी देखो। एप्टीट्यूड आपको क्या आता है, कितना आता है, आपका एनालिटिक स्किल कहाँ है, एनालिटिक्स आपकी कितनी है, आई क्यू, ए क्यू, सारी एप्टीट्यूड चेक करो। स्ट्रेंथ आपको मैथ्स में आप कितने अच्छे हो या नहीं हो। आपकी पर्सनैलिटी किस चीज़ में है, आप क्या डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या आपका दिमाग कंप्यूटर्स में है, क्या आपका दिमाग ड्राइंग में है, क्या आपका दिमाग डिजाइनिंग में है, क्या आपका दिमाग हार्डवेयर में है, क्या आपका दिमाग वेबसाइट डेवलपमेंट में है, क्या आपका दिमाग एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, किस चीज़ में आपका दिमाग है। पर्सनैलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, पर्सनैलिटी ट्रेड टेस्ट होते हैं यार, पर्सनैलिटी टेस्ट। और पर्सनैलिटी टेस्ट एक्चुअली में पता क्या होता है, आप एक वीक पढ़ के देखो एक एक वीक पढ़ के देखो एक्चुअली में इन चीज़ों को, तब आपको समझ आएगा, तब आपको मज़ा आएगा। बीएससी रिसर्च कैरियर्स सर, ह्यूमैनिटीज में कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री तो देखो कंपलसरी हैं, तीन सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं। है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बिल्कुल। ये तो हो गया यार, आपने एप्टीट्यूड को देखो। सर हम एप्टीट्यूड कैसे देखें यार, एप्टीट्यूड टेस्ट दो, अपने आई क्यू टेस्ट दो, ए क्यू टेस्ट दो, इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट पे देर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल जहाँ पे अपना आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। एप्टी चेक करो, आपका एप्टी कितना आ रहा है। स्ट्रेंथ आपको पता है आपकी कहाँ पे है, आपको फिजिक्स समझ आती है या नहीं आती, आपको हिस्ट्री समझ आती है नहीं आती, आपको थोड़ा बहुत मैथ समझ आती है नहीं आती, अकाउंट्स वगैरह तो यार आपको पढ़ के ही देखना पड़ेगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। सोशियोलॉजी क्या होता है, हाँ ह्यूमैनिटीज में मैं बताना भूल गया, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, आपके सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट। आपकी सोसाइटी में एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, एक्स वाई जेड आपकी सोसाइटी में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, उसको आप क्या बोलोगे, सोशियोलॉजी। फर्स्ट सपोज आपकी सोसाइटी में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है, कपड़े क्या है, फूड क्या है, कोई बंदा अगर सुसाइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसी बंदे की अगर मैरिज हो रही है तो क्यों हो रही है, पैट्रियार्की सोसाइटी क्यों है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी क्यों है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी क्यों है, ये सारी आपको चीज़ें सोशियोलॉजी में पढ़ते हो, स्टडी ऑफ सोसाइटी। आपको पता हो तो मैं आई एम मास्टर इन सोशियोलॉजी, मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी ही कर रखी है, ठीक है, आई एम एम ए इन सोशियोलॉजी गाइज, तो आई कैन टेल यू लाइक यस दिस इज इन सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी में ये होता है, आई कैन बेटर टेल यू कि सोशियोलॉजी में ये होता है या ये नहीं होता। मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, आई कैन टेल यू, ठीक है, ओके। उसके बाद नो एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रीम्स इनसाइड आउट, आपको स्ट्रीम्स को अंदर बाहर से समझना पड़ेगा एक्चुअली में स्ट्रीम्स हैं क्या, साइंस स्ट्रीम है तो क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम है तो क्या है, आर्ट स्ट्रीम है तो क्या है। अभी ना मेरे पास एक पीडीएफ आई थी, एक सेकंड रुकना, एक पीडीएफ मेरे पास आई थी, मैं ना उस पीडीएफ को ओपन करता हूँ। अभी मेरे पास एक किसी बच्चे ने भेजी थी, एक पीडीएफ भेजी थी, बहुत अच्छी पीडीएफ थी यार, हाँ ये ना पीडीएफ आपके सामने खोलता हूँ, आई होप कि आपको कोई भी इशू ना आ रहा हो। आप कौन सी स्ट्रीम ले सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ, आप कौन सी स्ट्रीम ले सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ, ये उस चीज की पीडीएफ है, मैं ना आपको ये दे दूंगा पूरी। सीबीएसई ने पीडीएफ निकाली थी यार, ये सीबीएसई ने निकालती है, एक दो
कंपनीज ने पीडीएफ निकालती थी, कोई इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, आप कौन सी स्ट्रीम किस के सब्जेक्ट के बाद ले सकते हैं, इसमें ना सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो आपकी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये आपको पीडीएफ में ना ग्रुप पे है, ग्रुप पे आप चेक कर लेना, मेरे ग्रुप पे आप ग्रुप पर ऐसे नीचे आ रहा है @studywithharshad_discussion, उस ग्रुप पे आप चेक कर सकते हो पीडीएफ पे वाली, है ना। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है तो क्या है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करनी है तो आपकी क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, इस पर अगर मैं बात करूँ, पता है ये एक कोर्स ऐसा है, पेन काम नहीं कर रहा मेरा इस पर, ये कोर्स ऐसा है, पता है इट इज़ द मोस्ट रीसेंट कोर्स, ये सबसे बढ़िया कोर्स आया है अभी का, 2020 से कोर्स आया और इतना ज़्यादा फास्ट स्केल पे है, जॉब्स इसमें इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़िया कोर्स है, इतना ज़्यादा बढ़िया कोर्स है, मतलब इसमें जो बच्चा अब एंटर करेगा, दे कैन बूम देयर करियर, उनका करियर बहुत अच्छा बूम हो सकता है, बहुत अच्छा बूम हो सकता है। इसमें मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते हो, मशीन लर्निंग पता है क्या होती है, वो किसी ने डीप फेक ऐप देखी है अभी, एक अभी ना एक डीप फेक ऐप निकली है, एक सेकेंड यार वो बंद हो गई पीडीएफ, पता नहीं कैसे, अभी एक डीप फेक ऐप निकली है, किसी ने वो देखी है, जिसमें वो सर हिलाते हैं, किसी स्टिल इमेज का सर हिलाते हैं, जैसा भी आप डालोगे उसमें वो सर हिलाएगा किसी भी इमेज का, वो डीप फेक ऐप देखी है आपने, किसी भी इमेज का सर हिलता है, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है यार, वो है यार मशीन लर्निंग। पता है मैंने भी अभी वो एक ऐप बनाई है, मैं भी मतलब बीसीए करी है तो मेरे को कोडिंग वगैरह अच्छी आती है, मेरे को पाइथन वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह मैंने खुद सीखी है, देखो सच बताऊँ, आई हैव ऑल्सो लर्न द मशीन लर्निंग, तो मैंने वो खुद एक डीप फेक ऐप बनाई है, मैं किस दिन आपको चला के दिखाऊंगा वो डीप फेक ऐप, जिसमें अगर मैं अपना फेस डालूं तो मैं किसी को भी, किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की फोटो को जो चाहूं वो बुलवा सकता हूं, दिखाऊंगा वो मैं किस दिन दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, जो भी सारी स्ट्रीम्स हैं उसकी सारी एलिजिबिलिटी देख सकते हो इस पीडीएफ में, आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यार मैं कभी नहीं बोलता कॉम ह्यूमैनिटीज वर्सेस कॉमर्स, कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज, मैं नहीं बोलूंगा यार, मैं कभी ना तीनों के बीच में लड़ाई थोड़ी करवानी है, तीनों अपनी जगह सही है, तीनों अपनी जगह सही है, ठीक है, तीनों अपनी जगह सही है। आपको अपनी स्ट्रीम को, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है ना, इस पीडीएफ से चेक करो आप साइंस से क्या कर सकते हो, कॉमर्स से क्या कर सकते हो, आर्ट्स से क्या कर सकते हो। अब तो वैसे भी वाला सिस्टम ही खत्म हो रहा है यार, कॉमर्स आर्ट्स साइंस वाला तो सिस्टम ही खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट का जो न्यू करिकुलम आ रहा है उसमें तो सिस्टम ही आपका खत्म हो जाएगा, बट उसमें चेक करो साइंस स्ट्रीम क्या करती है, कॉमर्स स्ट्रीम क्या करती है, आर्ट स्ट्रीम क्या करती है, चेक करो यार, हेलो यार, हेलो हेलो, चेक करो कि उसमें वो क्या करती है। मेक यूज ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग, ये क्या चल रहा है आपके लिए, काउंसलिंग तो चल रही है बट एक्चुअली में काउंसलिंग पता क्या होती है, काउंसलिंग इज अ वन ऑन वन प्रोसेस जिसमें आपको बताते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, काउंसलिंग एक वन ऑन वन प्रोसेस होता है जिसमें आपको बताते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या है। समझ आ रहा है ये सुनो, इट इज डेटा एनालिस्ट, डेटा एजुकेशन काउंसलिंग। देखो मैं ना आपको वन ऑन वन नहीं करा सकता, मैं आपको वन ऑन वन कुछ नहीं अभी बता सकता बिकॉज मेरे को आपका पता नहीं है कौन बच्चा कैसा है, बट यस आप किसी अपने टीचर के पास जाओ, आप किसी अपने टीचर के पास जाओ और टीचर से पूछो सर मेरे को क्या लेना चाहिए, आपने तो मेरे को पूरे साल पढ़ाया है सर, आप मेरे को बताओ क्या लेना चाहिए, टीचर आपके लिए बेस्ट चीज़ बताएगा, बेस्ट चीज़ आपके लिए टीचर बेस्ट चीज़ बताएगा। इसके बाद ना मेरे पास एक पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस, मेरे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके बाद, एक सेल्फ अवेयरनेस, आप सबको ना सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आप सबके पास, आप सबको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए फॉर योर सब्जेक्ट, ठीक है, आप सबको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए फॉर योर सेल्फ। सेल्फ अवेयर सर कैसे हूं, हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर, अपने इंटरेस्ट ढूंढो, हॉबीज ढूंढो, आपका मन किस में लगता है, मन किस में लगता है, आप एक काम ऐसा वो बताओ जिसमें आप 10 घंटे देने के लिए तैयार हो,
जिसमें आप डेली 10 घंटे देने के लिए तैयार हो. फॉर सपोज अगर मैं अपने आप को बताऊं, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है, मैं टीचिंग 6 से 7-7 घंटे दिन की कर लेता हूँ. और मेरी जो हॉबी है वो कोडिंग है. अगर मैं कोडिंग में आज कोई बंदा बिठा दे तो मैं 10-10 घंटे कोडिंग आराम से बैठ के कर सकता हूँ. मेरे को मतलब मैं हिलूंगा नहीं. मैं अपना बताता हूँ, मैं कोडिंग आराम से बैठ के लंबे लंबे समय कर सकता हूँ. 10-10 घंटे इसी कंप्यूटर पर बैठ के, इसी टेबल पर बैठ के कोडिंग कर सकता हूँ. मेरे को कोई इशू नहीं है. सेल्फ अवेयर, मैं अपने आप को सेल्फ अवेयर कर चुका हूँ कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं कोडिंग कर सकता हूँ. मेरे पास दो मेरे हाथ के स्किल्स हैं, एक मैं पढ़ा सकता हूँ और एक मैं कोडिंग कर सकता हूँ. उस तरीके से ये देखो, सराउंडिंग्स, आपके सराउंडिंग में चल क्या रहा है. आपके अगर डॉक्टर, आपके अगर पापा मम्मी डॉक्टर हैं तो आपको बोलेंगे बेटा डॉक्टर बनो. अगर आपके पापा मम्मी डॉक्टर हैं ना तो आपको बोलेंगे डॉक्टर बनो. पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा. मैं बोलूंगा अगर आपके पापा मम्मी डॉक्टर हैं तब भी आप ये मत सोचो कि आपको डॉक्टर बनना है. अगर आपके पापा मम्मी डॉक्टर हैं तब भी आप ये मत सोचो कि आपको डॉक्टर बनना है. आप ये सोचो ठीक है, आप ये सोचो आपको क्या बनना है. फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो. अगर 10th के बाद कॉमर्स साइंस ह्यूमैनिटीज लेने का मन नहीं है, अगर आपका 10th के बाद क्रिकेटर बनने का मन है तो क्रिकेट में घुस जाओ. स्पोर्ट्स में घुसने का मन है, स्पोर्ट्स में चल जाओ. और अगर आपको क्रिएटिविटी में घुसने का मन है, क्रिएटिविटी में चल जाओ. इंजीनियरिंग में घुसने का मन है, पॉलिटेक्निक में चले जाओ. बहुत सारी चीज़ें हैं यार, पॉलिटेक्निक में जा सकते हो, क्रिएटिविटी में जा सकते हो, स्पोर्ट्स में जा सकते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हो. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हो. Know the streams and find out details associated with them. वही वाला पॉइंट है. भीड़ का हिस्सा मत बनो. अगला पॉइंट मेरा आता है, भीड़ का हिस्सा मत बनना गाइस. भीड़ का हिस्सा मत बनो. क्या पॉइंट आता है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना. Do not follow the crowd. Do not follow the crowd. बिल्कुल, भीड़ का हिस्सा मत बनो. अच्छा, ये तो एक पॉइंट आ गया, भीड़ का हिस्सा मत बनो. सर आपने एक लाइन सुनी है, मंकी डू मंकी सी, मंकी सी मंकी डू. जो बंदर देखता है वो बंदर करता है, जो बंदर देखता है वो बंदर करता है. ठीक है, जो बंदर देखता है वो बंदर करता है. आपको नहीं बंदर बनना. क्या आप बंदर हो? क्या आप बंदर हो? नहीं ना, आप बंदर नहीं हो. तो जो आप देखोगे वो नहीं करोगे. आपको जो आपका मन बोलेगा वो करोगे. मन और दिमाग जहां पे सिंक्रनाइज हो जाए, मन और दिमाग जो दोनों एक चीज बोले उस चीज के पीछे आपको जाना है. ठीक है, भीड़ का हिस्सा मत बनना. सर उन सर ने हमारे को बोल दिया साइंस लो, उन सर ने हमारे को बोल दिया कॉमर्स लो, उन सर ने हमारे को बोल दिया ह्यूमैनिटीज लो. सर हम क्या लें? आपको क्या लेना है? आप अपने अंदर देखो. भीड़ का हिस्सा मत बनना गाइस. मेरे दोस्त ने ये ले लिया, चलो मैं वो ले लेता हूँ. मेरे दोस्त ने वो ले लिया, वो ले लेता हूँ. मेरी 50% क्लास ने कॉमर्स लिया, चलो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ. नहीं गाइस, 50% क्लास ने जो लिया है वो लेने दो. आपको वो नहीं लेना. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. आपको ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, इन पॉइंट्स के साथ अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करो. इनके साथ डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ अपने डिस्कस करो, अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो, मॉम डैड के साथ. जब आप डिस्कस करोगे, मॉम डैड आपको सबसे बेस्ट राय देंगे, मॉम डैड आपको सबसे बेस्ट सुझाव देंगे, बेस्ट तरीका बताएंगे. मॉम डैड आपको सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे. ठीक है, मॉम डैड आपको सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स कि क्या बेटा तुम क्या लो, तुम्हारे को क्या बनना है. सर बनना है क्या है? हमारे को क्या बनना है? हमारे को क्या बनना है? क्या बनना है यहाँ पे? किस किस का क्या है? कॉमर्स वाले बोलेंगे CA, साइंस वाले बोलेंगे डॉक्टर या इंजीनियर, और ह्यूमैनिटीज वाले बोलेंगे हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे. ठीक है, आप ये पॉइंट बोलते हो. कॉमर्स वाले ये बोलते हैं, साइंस वाले ये दो पॉइंट बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले ये बोलते हैं. मुझे पता है आपको एक्चुअली में क्या बनना है. क्या आपको एक्चुअली में डॉक्टर बनना है? क्या आपको एक्चुअली में इंजीनियर बनना है? क्या आपको एक्चुअली में CA बनना है? क्या आपको एक्चुअली में गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है? आपको बनना क्या है? आपको
एक्चुअली में बनना क्या है, ठीक है? आपको एक्चुअली में बनना क्या है गाइस, वो आपको देखना है। जो बनना है उसके पीछे जाओ, जो दुनिया बोल रही है उसके पीछे मत जाना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो दुनिया बोल रही है उसके पीछे मत जाना, 1% भी दुनिया के बोलने के पीछे मत जाना। कंफ्यूजन फ्रॉम टू मैनी ऑप्शंस, कंफ्यूजन हो रही है क्या? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, कंफ्यूजन हो रही है क्या? बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है यार। अब आपके पास कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, अगर आपके पास अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अगर आपके पास अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन है अभी भी दिमाग में? कोई कंफ्यूजन है? ये देखो मैं ड्राइंग बनाता रहता हूं, मैं भी स्क्रिबल करता रहता हूं। क्लियर है ये सुनो? सर अब ना मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ। तो सर और किसी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं आफ्टर टेंथ, जो किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं आफ्टर टेंथ, देखो यार तीन स्ट्रीम तो मैंने आपको मेन मेन बताई, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना यार, चैनल सब्सक्राइब करते रहना सब, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करते रहना। तीन स्ट्रीम्स हो तो ये आपकी कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज हो गई। उसके बाद कुछ स्किल ट्रेनिंग आती है, जिसमें आप एनिमेशन कर सकते हो, बीटी थेरेपिस्ट बन सकते हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बन सकते हो, आईटीआई सर्टिफिकेशन ले सकते हो आप, बेकर फूड बन सकते हो, फूड बेकर वगैरह प्रोडक्शन में जा सकते हो। आईटीआई सर्टिफिकेशन ले सकते हो आप कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रिशियन वगैरह का। पॉलिटेक्निक कर सकते हो आप, इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, डिप्लोमा कोर्स लेवल, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो, स्किल ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सिर्फ टेंथ के बाद आपकी स्ट्रीम्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज साइंस पे ही नहीं रुक जाती। यू हैव ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बोलते हैं ना, यू हैव ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपके पास समुद्र है पूरे अपॉर्चुनिटीज का। ऐसा मत समझना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, आपके पास पूरा समुद्र है, ठीक है? आपके पास पूरा गाइस समुद्र है अपॉर्चुनिटीज का। बिल्कुल ये मत समझना कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पूरा समुद्र भरा पड़ा है अपॉर्चुनिटीज का। साइंस स्ट्रीम इन 11th एंड 12th क्लास, ये सारा होता है साइंस में। आर्ट्स में ये होता है, कॉमर्स में ये होता है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स तो आप ले सकते हो गाइस। लेना है स्क्रीनशॉट? मेरे को पता नहीं फीवर क्यों लग रहा है यार अपने आज, आज मुझे सच में फीवर लग रहा है अपना। बताओ यार क्लियर है? बहुत अच्छा हूँ यार मैं, आप कैसे हो यार? अगर अभी तक किसी ने हमारे अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करते रहो, अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, हर्षित सर मेरा कोड है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो आप अनअकैडमी आज का डाउट पे, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो, जिसका आपको हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पे लाखों क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, बट उसके बाद भी आपको होमवर्क असिस्टेंस मिल जाती है। हाउ टू आस्क अ डाउट, यार आपको क्या करना है आस्क अ डाउट के लिए? सिंपल है, आस्क अ डाउट पे आपको जाना है, आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है, गैलरी से फोटो सेलेक्ट करनी है, क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, क्रॉप करना है स्पेसिफिक एरिया को, बताना है आपका क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, फिर आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। वट आर द फीचर्स, ये फीचर्स आपको घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का, टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया पे आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं,
एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, हम आपको सारा सिलेबस पढ़ाते हैं, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस सारा आपको, स्टडी मटेरियल देते हैं, प्रैक्टिस सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको 360 डिग्री का सपोर्ट मिल जाता है और आपको सारी सेशंस मिल जाती है जो कि चाहिए होती है। पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट ऐप मिल जाता है, स्टडी प्लानर और प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। दीज आर दी प्राइजेस ऑफ प्लस गाइज, आप प्लस ले सकते हो बाई यूजिंग माई कोड हर्षित सर। ले लेना यार मेरा कोड यूज कर लेना हर्षित सर फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। सेम विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे भी आप ले सकते हो एंड गेटिंग फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। अगर अभी तक किसी ने अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ले सकते हो, और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप ही डाउनलोड नहीं करी है तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कर लें। यू कैन गेट अनअकैडमी ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, बोथ iOS ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर, आप दोनों पे ले सकते हो। और अगर आपको सारे फीचर्स को फ्री में अनलॉक करना है तो यू कैन यूज माई कोड हर्षित सर। सारे फीचर्स आप फ्री में भी अनलॉक कर सकते हो बाय यूजिंग माई कोड हर्षित सर। हर्षित सर से आप फीचर्स को भी अनलॉक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द क्लास। डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को क्लिक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन जो है घंटी के बटन को दबा देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर नोटिफिकेशन, जो जो वीडियो इस चैनल पर डले उसका पता चलता रहे। इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द क्लास। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और आपको एक मिनट दे देता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। एक दो मिनट और दे देता हूँ, कोई भी अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो गाइज अपना, एनी डाउट्स। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास, हैव अ गुड डे।